मेरा नाम कशमाला है मैं एक पठान घराने से ताल्लुक रखती हूँ मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी जो मुझसे बेहद प्यार करते थे मेरे बाबा चमड़े की फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे जिसे घर का गुजारा बमुश्किल ही चलता था घर के हालात इतने ठीक नहीं होते मगर इनके बावजूद मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत और परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की बाबा जब मुलाजमत पर जाते थे तो मैं और अम्मी पीछे घर में अकेले होते थे अम्मी की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी जिसके बायस मैंने दसवीं के बाद अपनी तालीम को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया शौक बहुत था आगे पढ़ने का मगर एक तो अम्मी की तबीयत ने आगे पढ़ने नहीं दिया और दूसरा घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं अपनी पढ़ाई को मजीद आगे जारी रख सकती इसी मैंने हमेशा के लिए तालीम को खैराबाद कह दिया पठान लोग वैसे भी औरत की तालीम के ज्यादातर खिलाफ ही होते हैं खानदान की कोई लड़की ऐसी नहीं थी जिसने मैट्रिक किया हो हमारे यहां छोटी उम्र में ही पर्दा करने का था अभी मैं बालक भी नहीं हुई थी कि अम्मा ने मुझे पर्दा करवाना शुरू कर दिया अम्मी चूंकि बीमार रहती थी इसीलिए घर की तमाम तर जिम्मेदारी मेरे सर आन चुकी थी अम्मी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी दवाई से भी उनको कोई अफाका नहीं हो रहा था हालत संभलने के बजाय मजीद बिगड़ती जा रही थी एक दिन रात को सोकर वो सुबह को उठ ही ना सकी और मुझे और बाबा को हमेशा अकेले अकेला छोड़कर खालिद के हकी की सजा मिली अम्मी की मौत यूं अचानक हुई कि मेरे बाबा की कमर टूट गई हम पहले ही घर में महज तीन अफराद थे अब दो रह गए घर में हर तरफ अम्मी की यादें बसी हुई थी जिन्हें याद करते ही हम दोनों अश्कबार रहते अम्मी के वफात के बाद अबू की तबीयत बहुत खराब रहने लगी खानदान वालों ने मुंह मोड़ लिया था कभी किसी ने हालचाल नहीं पूछा बाबा की तबीयत भी खराब रहने लगी तो वो मेरी जल्द से जल्द शादी करने के ख्वाहिशमंद थे मगर मैं अबू को ऐसे छोड़ना नहीं चाहती थी इसीलिए मैं हर बार बाबा को शादी करने से इनकार कर देती मगर उन दोनों मेरे साथ अजीब बात हुई मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगी पेट में ऐसा दर्द होने लगता कि बर्दाश्त से बाहर होता ऐसा लगता मैं मर जाऊंगी हर गुजरते दिन के साथ ही मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी बाबा ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया मुझे मगर वो सब सिर्फ एक ही बात कहते थे कि इसको बीमारी है ही नहीं वगैरह भी भी करवाया मगर किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा बाबा की तबीयत पहले ही नासाज रहती थी मेरी वजह से वो और भी परेशान रहने लगे एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो मोहल्ले की कुछ औरतें हमारे घर आ गई मेरी अयादत के लिए तो उन्होंने कहा कि तुम अब शादी कर लो शादी करने से तुम्हारा यह मसला ठीक हो जाएगा उनकी ये बात बाबा तक पहुंची तो मोहल्ले की एक औरत से कहकर उन्होंने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया बहुत मुश्किल से एक रिश्ता मिला तो बाबा ने हां कर दिया कुछ भी देखे बगैर क्योंकि उनकी सेहत बहुत खराब हो रही थी और मेरी सेहत को भी मद्देनजर रखते हुए वो मेरी जल्द अज जल्द शादी करा देना चाहते थे बाबा ने जांच पड़ताल किए बगैर उस रिश्ते के लिए हां कर दी जब वो लोग मुझे देखने के लिए एक दिन अचानक घर आए तो उस दिन मेरे पेट में बहुत दर्द था मेरी हालत देखकर उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया पर ऐसे में बाबा ने हिम्मत नहीं हारी वो मेरे रिश्ते के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे मोहल्ले की वही औरत रोज कोई कोई रिश्ता लेकर आती थी मगर या तो वो रिश्ता बाबा को पसंद नहीं आता था या फिर रिश्ते वाले ही इनकार करते देते थे मैं इन सबसे तंग आ चुकी थी मगर बाबा ने मेरी शादी करने की कसम खाई हुई थी बाबा के इस के आगे मैंने हथियार डाल दिए थे फिर एक दिन अचानक कुछ लोग आए लड़के की माँ ने मुझे पसंद कर लिया और मेरा रिश्ता अपने बेटे के साथ तय कर दिया यू मेरी शादी हो गई मगर मेरी शादी वाले दिन मेरी सास ने मुझे एक अजीब बात कही कि तुमने एक साल तक अपने शोहर के सामने दुल्हन बनकर रहना है हर रात मुझे उनकी बात बहुत अजीब लगी मैं बहुत अजीब कश्मकश कश्म में मुब्तला हो गई मैं उनसे पूछना चाहती थी मगर पूछ ही नहीं सकती थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मुझे गलत न समझे एक दो तो रात की बात होती तो और बात थी मगर एक साल तक ऐसे रहना बड़ी अजीब बात थी शादी हो गई मेरी शादी के तीसरे दिन मेरी सास ने मुझसे अपने लिए दुल्हन वाली बात के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि मैं वैसा ही कर रही हूं जैसा आपने करने को कहा था तो वो मेरी बात सुनकर खुश हो गई बाकी मेरी सास हर लिहाज से बहुत अच्छी थी वो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी काफी दिन ऐसे ही गुजर गए

मैंने नाश्ता तैयार करते हुए सास से रात वाले मामले के बारे में बात करने को कहा जब सास ने आज काफी दिनों बाद मुझसे पूछा तो मैंने रात वाला सारा मामला उनको बता दिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने अपने शोहर को कुछ बताया या नहीं तो मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा मगर उससे बात के बारे में पूछा तो मेरी सास ने मेरी बात को ही गोलमोल कर दिया मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं, क्योंकि बात करते वक्त वो मुझसे नजरें चुरा रही थी मेरे दिल में खदशा पैदा हुआ कि कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर था जो वो चाह कर भी मुझसे कह नहीं पा रही थी मगर कुछ दिनों से मेरी तबीयत फिर से खराब होने लगी तो मैं इस बात को बिल्कुल भूल गई मुझे मेरी सास ने क्या कहा था एक दिन मैं सो गई थी जब सुबह मैं बेदार हुई तो मेरा ससुर मेरे कमरे में था मैं बहुत परेशान हो गई इर्द गिर्द देखा तो मेरा शोहर कमरे में था मैंने परेशान होते हुए अपने ससुर से जब अपने कमरे में होने की वजह पूछी तो उन्होंने मेरे सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कहा कि परेशान होने की कोई वजह नहीं है वैसे ही मेरे कमरे में आए थे मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था अपनी बीमारी अपनी सास की वो बात भी मैं भूल गई थी अचानक वो भी याद आई तो मेरा सर चकराने लगा पहले सास की वो बात अब सुसर का यू मेरे कमरे में होना मुझे तश्वीश में मुबतला कर रहा था मैं एक पठान लड़की जो अपने माँ बाप की इज्जत का हमेशा ख्याल करती थी कभी गैर मर्द के सामने सर के बाल तो दूर की बात कभी अपना चेहरा भी नहीं खुला छोड़ती थी ऐसे में बाबा जैसे सुसर का यूं कमरे में होना मुझे बहुत से वसवसों में मुबतला कर रहा था बहुत सोच विचार के बाद मैंने ये बात शोहर को बताना चाहती थी मगर बता ही नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि वो मेरी बात पर यकीन करेंगे भी या नहीं क्योंकि मैं गैर लड़की थी मेरा ससुर उसका बाप था मुझसे ज्यादा वो अपने बाप पर यकीन करते दिन यूं गुजरते रहे मगर मेरे ससर कयू मेरे कमरे में आना खत्म नहीं हुआ मैं जब भी सुख बेदार होती मेरे ससुर मेरे कमरे में होते इसीलिए एक रोज तंग आकर मैंने शोहर के सामने हर बात रख दी तब मेरे शोहर ने मुझे गलत समझ कर मुझे अपने घर से निकाल दिया मैं रोती रही गिड़गिड़ाती रही मगर उसको मुझ पर रहम नहीं आया उसने मुझे घर से ही निकाल दिया मैंने हर बात उसके सामने रख दी थी मगर वो मेरी किसी भी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था एक आखिरी कोशिश करते हुए मैंने अपने ससुर से बात की तो उन्होंने मेरी तरफ दाड़ी के बजाय मेरे ससुर ने मेरे शोहर से कहा ये मेरी बेटियों जैसी नहीं बल्कि मेरी बेटी ही है मगर मेरा शोहर फिर भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था वो मुझे ही गलत समझ रहा था मैंने सास से भी कहा मगर उसने भी कुछ नहीं कहा बल्कि खामोश खड़ी रही मैंने एक निगाह सब पर डाली और खामोश होकर वहां से निकलकर अपने घर आ गई क्योंकि वहां रहना अब मेरे लिए ठीक नहीं था और वहां रहने का कोई फायदा भी नहीं था क्योंकि मुझे जिसके साथ रहना था वो तो मुझे गलत समझ रहा था बाबा ने आने की वजह मुझसे पूछी तो मैंने उन्हें झूठ बोल दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए यहां रहने आई हूं क्योंकि बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो मैंने उन्हें सच बताकर परेशान ही करना था इसीलिए मैंने सच छुपा लिया क्योंकि मैं उन्हें परेशान करना ही नहीं चाहती थी बाबा ने मेरे झूठ को सच मानकर उस पर यकीन कर लिया मैं कई दिनों तक तो अपने शोहर का इंतजार करती रही कि वो अपनी गलती मानकर मुझे मनाने के लिए आ जाएंगे मगर मुझे हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा एक महीना इसी तरह से गुजर गया मेरे ससुराल से कोई भी पूछने को नहीं आया उन दिनों मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई तो मैं घर के नजदीक अस्पताल चली गई वहां चेकअप के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं मैं खुश थी घर वापस आई और सिलाई कढाई का, का काम शुरू कर दिया बाबा को सब पता चल गया वो ससुराल वालों से बात करना चाहते थे मगर मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कोई मेरे बाबा की बेजती करे मैं दिन रात काम करती रही जिससे दो वक्त की रोटी के साथ साथ जिंदगी अच्छी गुजर रही थी मैं एक दिन काम कर रही थी जब अचानक मेरे ससुराल वाले घर आ गए उन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा कि वो ऐसा सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रहे थे उन्होंने मुझसे ऐसा राज बताया कि मेरे हवास हो हो गए लेकिन फिर मेरा सर फखरिया ऊंचा गया कोई शख्स इतना अजीम कैसे हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर हमेशा दूसरे शख्स का सोचे मेरा शोहर सच में एक नेक सिर्फ शख्स था मेरे शोहर को कैंसर था मेरा ससुर रात को सिर्फ अपने बेटे को देखने के लिए आता था मुझे अपने शोहर के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ मैं बहुत रंजीता थी कि कोई मिया बीवी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि दोनों में से अगर किसी एक को भी कुछ हो तो घर का गुजारा नहीं हो सकता मुझे मेरी सास और सुसर ने बताया कि ये सब हमें हमारे बेटे तैमूर ने करने को कहा था तैमूर चाहता था कि जिंदगी के कुछ पल वो मुझे दुल्हन के रूप में देखे उसका कैंसर लास्ट स्टेज पर था वो चाहता था कि मैं जब तक जिंदा रहूं कश्माला को दुल्हन के रूप में देखूं। इसीलिए मेरी सास ने मुझे एक साल तक दुल्हन का रूप इख्तियार करने को कहा और मेरा ससुर जो कमरे में आता था महज तैमूर की खातिर क्योंकि तैमूर चाहते थे कि मैं उनसे बदसन हो जाऊं और वो भी ये जाहिर करे कि मुझे कश्माला पर एतबार नहीं रहा मैं हकीकत जानकर बहुत रोई मुझे तैमूर की बेहद याद आने लगी मैं ये खुशखबरी भी तैमूर को देना चाहती थी शायद ये सुनकर ही उनके दिल में जीने की ख्वाहिश जाग जाती वो बीमारी से लड़ते और सेहत हो जाते मुझे तैमूर से बहुत सी बातें करनी थी इसीलिए मैं अपने बाबा के साथ अपने ससुराल चली गई और अपने का इलाज कराने लगी मैंने तैमूर से माफी मांगी वो भी मुझे नजरों के सामने देखकर पिघल गया और रोना शुरू हो गया तैमूर को जब पता चला कि वो बाप बनने वाला है तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू रवा हो गए तैमूर में जीने की ख्वाहिश जाग उठी थी वो हमारे बच्चे के लिए जीना चाहते थे मगर आह किस्मत किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था तैमूर का एक ही महीने के बाद इंतकाल हो गया दवाइयों से उसकी सेहत पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था और प्रॉपर इलाज करने के लिए इतने पैसे नहीं थे तब सास ने इस का एतराफ किया कि वो सब अपने बेटे के इलाज के इलाज लिए इससे करवा रहे थे क्योंकि किसी जाहिल किसी ने उससे वो सब कुछ करने को कहा था शोहर की वफात के बाद मैंने बाबा के साथ अपने सास ससुर का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया मगर मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी तैमूर के जाने के बाद मेरा दिल दुनिया से उच्चाह हो गया था हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी अपने अपनों के लिए वक्फ कर दी थी जिंदगी गुजरती रही और एक साल बाद मेरा बेटा इस दुनिया में पैदा हो गया जिस दिन तैमूर इस दुनिया से गया था शायद कुदरत ने मेरे हाल पर रहम कर दिया तैमूर का हम शक्ल मेरी गोद में डाल दिया मैं अपनी जिंदगी से अब मुतम हूं लेकिन अब भी मुझे तैमूर याद आता है मुझे रिश्तेदारों ने कई बार कहा कि शादी कर लो जवान जहान हो लेकिन मैं तैमूर को भूल नहीं सकती मैं अपने बेटे के लिए जीना चाहती हूँ मेहनत मजदूरी करके मैं अपने बेटे की परवरिश और तरबियत कर रही हूँ मेरी अबकुल कायनात मेरा बेटा है जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी